दबाव एनडीए गवर्नमेंट का, मोदी जी का, अमित शाह जी का उनके ऊपर है। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। सच्चाई को नहीं बता रहे हैं जो सच्चाई है। हजार लोग जुड़ रहे हैं यात्रा के अंदर, मुद्दे शानदार है जो कि कंट्री के अंदर मैं समझता हूँ मौजूद मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और देश में नॉन वायलेंस होना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। मुद्दे क्या है वही तो है जो देश सोच रहा है। तभी नेशनल मीडिया क्यों बायकॉट किया हुआ है, इसका जवाब दे नेशनल मीडिया। मुझे पता आप लोग देखा नहीं पाओगे, परंतु आज पूरा मुल्क पूछ रहा है कि नेशनल मीडिया क्या चीज हो गई है। ये गोदी मीडिया जो कहलाता है, क्या वास्तव में गोदी मीडिया बन गया? वो यात्रा को नहीं देखा होगा आप, लंबी 3500 किलोमीटर यात्रा है, और राहुल गांधी का खूब कॉन्फिडेंस दी गई इनकी बदनाम करने की, इनको सोशल मीडिया से वो सब एक्सपोज हो गए। पूरे देश के जो ऐसे तत्व थे राहुल गांधी को टारगेट करके जो कुछ भी चला रहे थे, जब से वो राजनीति में ये मोदी जी आए हैं, तब से जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके राहुल गांधी की इमेज को डैमेज किया गया, मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से सबको करार जवाब भी दिया है। वो ताकतें एक्सपोज हो गई है जिन्होंने षड्यंत्र किया था, उनकी बोलती बंद हो गई है। तो सोनिया जी को आपने निमंत्रित किया है कि यात्रा में आए? सोनिया जी आए यात्रा में, राहुल जी तो चल ही रहे हैं और वहाँ माहौल शानदार है, और सभी लोग आए, आप सब आइए, मैं सबका स्वागत करूँ। 9 तारीख को जब सोनिया जी का जन्मदिन है, उस दिन हो गई है जिन्होंने षड्यंत्र किया था, उनकी बोलती बंद हो गई है। तो सोनिया जी को आपने निमंत्रित किया है कि यात्रा में आए? सोनिया जी आए यात्रा में, राहुल जी तो चल ही रहे हैं और वहाँ माहौल शानदार है, और सभी लोग आए, आप सब आइए, मैं सबका स्वागत करूँ। 9 तारीख को जब सोनिया जी का जन्मदिन है, उस दिन क्या उम्मीद है कि वो? हम तो चाहते हैं उनका जन्मदिन राजस्थान में वो मनाए, हम तो ये चाहेंगे। ऐतिहासिक क्षण है, राजस्थान में आए, हम वेलकम करेंगे। तो आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बैठक के बाद दरअसल मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए हैं, और सोनिया गांधी के जन्मदिन को लेकर कहा कि पार्टी सोनिया गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेट करेगी। दरअसल आपको जानकारी दें कि रेस्ट डे में दरअसल बदलाव हुआ है। राहुल गांधी के 12 जोड़ो यात्रा में जो रेस्ट डे है उसमें दरअसल आंशिक बदलाव हुआ है। बदलाव की वजह यही है क्योंकि सोनिया गांधी का जन्मदिन है, और इसी के सिलसिले में जब ये सवाल किया गया सोनिया गांधी के जन्मदिन से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर इसी पर बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए, और जो स्टीयरिंग कमेटी की दरअसल बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस पार्टी की, उसको लेकर भी उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें मीडिया के सामने रखी। तो सीएम गहलोत मुलाकात कर सकते हैं सोनिया गांधी से, और स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में, वो बैठक खत्म हो चुकी है, और इसी बैठक के खत्म होने के बाद मीडिया के सामने आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तमाम जानकारी उन्होंने साझा की इस बैठक में किन किन बिंदुओं पर मंथन हुआ, और ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से दरअसल मुलाकात भी कर सकते हैं। नाम आपको एक बार बता दें कि दरअसल कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम गहलोत को आपने सुना, वो मौजूद रहे। अजय माकन इस बैठक में मौजूद रहे, और तमाम ऐसे नेता रहे, अजय माकन भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो नई सी डब्ल्यू सी बनाने को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की इस बैठक में, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 को लेकर भी चर्चा हुई इस बैठक में, और बैठक के बाद किन किन बिंदुओं पर हुई चर्चा और किन किन बातों का जिक्र हुआ भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 को लेकर जो भी चर्चा हुई इस बैठक में, ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने साझा किए। तो बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक में नई CWC बनाने को लेकर दरअसल मंथन हुआ है। तो सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा जो कि आज शाम झालावाड़ में प्रवेश करेगी, इस यात्रा के फेज 2 को लेकर भी इस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मंथन हुआ। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, बैठक से जुड़ी हुई कांग्रेस पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई है, और बैठक में नई CWC बनाने को लेकर मंथन हुआ है। सीएम गहलोत इस बैठक में मौजूद रहे, और ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सीएम गहलोत सोनिया गांधी से
मुलाकात कर सकते हैं सहयोगी राहुल मिश्रा। इसी खबर पर मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, मौजूद है मेरे साथ। राहुल, बैठक खत्म हो चुकी है, अंदर से क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है बैठक को लेकर? देखिए, जो प्लेनरी सेशन है वो रायपुर में होने की संभावना है और फरवरी के दूसरे हफ्ते में ये होगी, ये बैठक होगी। और ये बैठक क्योंकि अब खत्म हो चुकी है और तमाम अशोक गहलोत की भी बात किया जाए तो अशोक गहलोत भी यहाँ से निकल चुके हैं, वो जा चुके हैं। हरीश रावत सर, एक सर क्या ये जो प्लेनरी सेशन है वो अब रायपुर में होगी? हाँ, ये तो है, अभी मेरी से अनाउंस होगा पार्टी की तरफ से, जो है छत्तीसगढ़ से निमंत्रण है करने का, जो क्या रहा इस बैठक की राय थी कि छत्तीसगढ़ ठीक है, उपयोगी सेंटर भी है, हिंदी भाषी क्षेत्र है और चुनाव भी वहाँ होने जा रहे हैं, तो हर हिसाब से जो है पार्टी के लोगों को माकूल लगा। क्या रहा इस बैठक में यदि मुख्य? बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में बैठक हुई और भारत जोड़ो यात्रा पर विशेष तौर पर चर्चा हुई और आगे कैसे उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को जो है स्ट्रेंथन करना उस पर भी बातचीत। आक्रामक भी कहा गया है कि सभी जो है जो पदाधिकारी महासचिव हैं वो अपने क्षेत्र में 10 दिन कम से कम रहें। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में जो है कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, उस डायरेक्शन दिए हैं और वो सब डायरेक्शन बिल्कुल समुचित ऑर्गेनाइजेशनल बैकअप के लिए। क्या हालचाल है जी? एक डायरेक्शंस दिया गया है और ये एक जो प्लेनरी सेशन की बात चल रही थी कि आखिर में ये प्लेनरी सेशन कहाँ पे होगा, तो सेकेंड वीक ऑफ माना यह जा रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में ये कहीं रायपुर में इसका प्लेनरी सेशन हो सकता है, यहाँ पर संभावित है। और ये एक पूरी तरीके से, क्योंकि अब जो एग्रेशन देखने को मिलेगा, एग्रेसिव मूड में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस जरूर दिखने को मिलेगी कि आने वाले जो चुनाव है या 2024 का जो चुनाव है उसकी एक पूरी की पूरी रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है, उसमें किस तरीके से आगे चलना है, इन सभी चीजों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। और जो सेशन है, सेशन में भी यदि खासतौर पर यदि जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें भी किस तरीके की उसका रूपरेखा कैसे घेरना है, इन सभी चीजों को भी लेकर के यहाँ पर जरूर चर्चा की गई। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है और इसमें पूरा एक रूपरेखा यहाँ पर तैयार किया गया, पूरा का पूरा एक जो रूपरेखा है कि आखिर आगे आने वाले समय में किस तरीके से जो जिन जगहों पे चुनाव है 2024 में चुनाव है उन जगहों पे किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी, क्या उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। प्रमोद सर, मैं और भी बात करना चाहूंगा मैं कि क्या आप लेकिन ये पूरी जो रूपरेखा है यहाँ पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये तैयार की गई है चुनाव के संबंधित और साथ ही साथ प्लेनरी सेशन को लेकर के ही यहाँ पर चर्चाएं की गई है। अच्छा, बाय द एंड ऑफ जनवरी राहुल, हम मानकर चल सकते हैं कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं पार्टी अधिवेशन की, अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो अगर सूत्र आपकी क्या जानकारी दे रहे हैं, बाय द एंड ऑफ जनवरी ये बुलाया जा सकता है? नहीं, फरवरी के दूसरे हफ्ते में संभावित है कि इस को बुलाया जाएगा, जो प्लेनरी सेशन है उसको यहाँ पर बुलाया जाएगा। और उसको क्योंकि टाइमिंग कब रहेगा और डेट कब रहेगा उससे थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये जानकारी जरूर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो जगह है उस जगह को जरूर यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है कि यहाँ पर रायपुर में छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है उस जगह पे यहाँ पर ये प्लेनरी सेशन बुलाया गया है। और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी, खास तौर पर यदि कहा जाए संगठन के तौर पर, संगठन क्योंकि जिस तरीके का सीधे अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पर बातें कही गई कि संगठन कैसे मजबूत करना है, उसके साथ ही कैसे आप जमीन पे जाना है, कैसे आपको वहां पे काम करना है, इन सभी चीजों का जो दिखाया गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी क्योंकि कांग्रेस शासित प्रदेश ही है और छत्तीसगढ़ भी आने वाले समय में क्योंकि 2023 के लास्ट में यहाँ पर भी चुनाव है, तो ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये बैठक भी हो जाती है। और कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण है संगठन से लेकर के साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसको लेकर के, उसके साथ ही साथ जो एक नया क्लेवर, एक नया फ्लेवर में कहा सकता है कि कांग्रेस आने वाले समय में जरूर देखने को मिल सकती है। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछूंगी राहुल, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात कर ली जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि सीएम अशोक गहलोत जो है सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात की मायने बताइए, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी शुरू होने वाले राजस्थान में, क्या इस चुनाव को लेकर और राजस्थान में भी सियासी घटनाक्रम हुआ इससे जोड़कर हम इस मुलाकात को देख सकते हैं?
देखिए कई मायने हैं, क्योंकि अभी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये कहीं मुलाकात सीधे तौर पे हो सकती है उनकी, और उस मुलाकात के पीछे कई कारण भी है। सीधे तौर पे कहा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में प्रवेश करेगी, उसका क्या प्रारूप रहेगा, उनको इनविटेशन। ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट में आपसे आगे लेते रहूंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए राहुल, बहुत शुक्रिया आपका।